तसव्वुर शेख का मुद्दा और मफहूम क्या है? इंसान जब जिंदगी में सफर कर रहा हो तो सफर करते करते गलती का या रास्ता छोड़ने का अंदेशा पैदा होता है। वहां पर इसलाह करने के लिए नेकी मौजूद होती है कि ये नेक रास्ता है और इस पर आप चलते जाएं। वो रास्ता इंसान को याद भी रहता है, लेकिन जब कोई नेक दोस्त हम सफर हो तो ये फितरी बात है कि इंसान का वो रास्ता पक्का हो जाता है, क्योंकि बात को याद रखने की बजाय शख्स को याद रखना आसान है। इस तरह इंसान के जहन में खैर और शर का ख्याल कायम रहता है, यूँ सदाकत की बात याद रहती है। आम तौर पर जो इंसान है वो अपनी समझ पर ज़्यादा जोर नहीं देते। ज़िंदगी के अंदर सफ़र करने के तरीके मुख्तलिफ हैं। सफ़र सारी दुनिया यही करती है। कुछ लोग अंजाम के हवाले या नतीजे के हवाले से सफ़र करते हैं। मसलन कोई शख्स मेहनत कर रहा हो और फिर उसे पता चले कि मेहनत फ्रूटफुल नहीं हुई, नतीजा नहीं लाई, चाहे वो मेहनत इबादत की हो, तो कुछ लोगों के लिए मेहनत का जवाब या मेहनत का नतीजा ये है कि वो फ्रूटफुल हो, नतीजा खेज हो। अगर एक आदमी रिसर्च में कामयाब हो गया और इम्तिहान में फेल हो गया तो उसकी रिसर्च को लोग नहीं मानेंगे कि ये शख्स इल्म वाला है, क्योंकि वो तालीम में कामयाब नहीं हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा ड्रामा नवीस शेक्सपियर था। आप पढ़े लिखे लोग हैं, सब ने सुना होगा। कहते हैं कि वह तीसरी जमात में स्कूल से भाग गया था, कहीं उसको कोई बच्चा प्यारा लगा तो उसने उठा लिया, उस पर चोरी का मुकदमा बन गया, लेकिन बच बचा हो गया। फिर वो किसी थिएटर कंपनी में जाके मुलाजिम हो गया। उसे थिएटर में पर्दा उठाने और गिराने की नौकरी मिल गई, तो वहीं से उसे सूझबूझ पैदा हुई। ड्रामे में कभी बोलना शुरू कर दिया और फिर लिखना शुरू कर दिया। जब लिखना शुरू कर दिया तो उसने 36 ड्रामे लिख दिए। दुनिया के नकार इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि दुनिया का कोई किरदार ऐसा नहीं जो उसके ड्रामों से बाहर हो। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि फितरत डिक्टेशन दे रही थी और शेक्सपियर ड्रामा नवीस के तौर पर लिख रहा था, तो उसके पास तालीम तो नहीं थी लेकिन इल्म बहुत ज़्यादा था। इसी तरह सुकरात अनपढ़ था लेकिन इल्म वाला था। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी, उम्मी मगर फ़खरे बयां, सल्ली अला सल्ली अला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी हैं लेकिन फ़खरे बयां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लकब है, तो तालीम की बात नहीं बल्कि इल्म की बात है। तो साबित ये हुआ कि इल्म जो है वो तालीम के बगैर भी आ सकता है और अक्सर आता है। तो इल्म का हवाला सोचना पड़ेगा और फिर कहना पड़ेगा कि इल्म जो है ये अल्लाह का फजल है। तालीम मकतब की करामत है और इल्म फैज़ान नज़र है, ये अताए इलाही है। इसी बात को इकबाल रहमतुल्ला ने कहा है कि ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माईल को आदाब फर्जंदी अलैहिस्सलाम। मतलब यह है कि अल्लाह करीम ने इंसान को अपनी रूह के साथ ज़िंदा किया, तो अल्लाह की रूह तक जब इंसान पहुंचता है तो अपने हालात ज़माना से हट के ही वजूद से रूह तक पहुंचता है, फिर तो इल्म ही इल्म होता है। अगर आप पाकिस्तान और इंडिया के ऐसे शुरा को देखें तो फिर आप कहेंगे कि इनके पास अल्लाह की तरफ से कोई इल्म है। शायरों में तो आप इकबाल का नाम लेंगे कि उसके पास अल्लाह की तरफ से कोई अनायत है कि वह ऐसी बात करते हैं जो कि कोई ख़ास ही बात है, उस बात का रंग और है, अंग और है, मिजाज और है। अगर आप इकबाल रहमतुल्ला से पूछो कि ये सारा इल्म आपने कहाँ से लिया, तो फिर इकबाल रहमतुल्ला आपको बताते हैं कि ये इल्म जो है ये पीर रूमी रहमतुल्ला से मिला। इकबाल रहमतुल्ला तस्लीम करता है कि मुझे ये फैज़ पीर रूमी रहमतुल्ला से मिला है, वरना इकबाल रहमतुल्ला के पास जो तालीम थी उसके बारे में खुद कहता है, पढ़ चुका मैं सब अलूम शर्क व गरब, रूह में बाकी है अब तक दर्द व करब। इकबाल रहमतुल्ला के पास वेस्ट की सारी तालीम है, फ़लसफ़ा भी है, लॉ भी है, लिटरेचर भी है और दूसरे अलूम भी हैं, मगर उसकी रूह में दर्द और कर्ब अभी बाकी था। मगर जब उसे इल्म मिला तो उसने कहा कि ये इल्म मुझे मौलाना रूम रहमतुल्ला की निगाह से मिला। खुद मौलाना रूम रहमतुल्ला ने अपनी कहानी बड़ी वाजिया लिखी है। वह अपने दौर के बड़े आलम थे। एक रोज़ वह मस्जिद में मकतब में बच्चों को तालीम दे रहे थे, फिका और हदीस पढ़ा रहे थे। वहाँ पर एक दरवेश आए, वह अपने अंदाज के पुराने लिबास में मलबूस थे। उन्होंने किताबें देख कर मौलाना रूम रहमतुल्ला से पूछा कि ये सब क्या है। उन्होंने कहा कि तुम क्या जानो, ये वो इल्म है जो तेरी समझ से बाहर है। वो दरवेश कामिल थे। उन्होंने मौलाना रूम रहमतुल्ला की सारी किताबें उठाकर वजू करने वाले तालाब में डाल दी। मौलाना रहमतुल्ला बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा कि तुमने मेरी ज़िंदगी की सारी मेहनत ज़ाया कर दी, मैं तबाह और बर्बाद हो गया। जब मौलाना रहमतुल्ला रोने लगे तो उस दरवेश ने पानी में हाथ डाला और खुश किताबें बाहर निकाल दी। मौलाना रूम रहमतुल्ला ने देखा कि सारी किताबें खुश थी। उस दरवेश ने गर्द भी झाड़ दी तो मौलाना रूम रहमतुल्ला कहने लगे कि ये क्या।
درویش بولے کہ تو کیا جانے کہ یہ کیا ہے. بس یہ کہنا تھا کہ مولانا رحمت اللہ کے تعلیم کے وجود کو آگ لگ گئی, اور پھر درویش آگے آگے اور مولانا رحمت اللہ ان کے پیچھے پیچھے بھاگے دوڑے, لیکن درویش غائب ہو گیا. کچھ روایتیں ہیں کہ وہ 2 سال بعد ملا, اور کچھ کہتے ہیں کہ 3 سال بعد اس نے زبان کھولی. تب مولانا رحمت اللہ نے کہا کہ 3 سال ہوئے اور اب آ کے آپ نے بات کی ہے, آپ نے یہ مجھے کیا سزا دی ہے؟ وہ درویش کہنے لگے کہ تیرے 3 سال لگے ہیں, لیکن میں تیرے انتظار میں 20 سال بیٹھا رہا کہ کہیں تم مچور ہو, شعور میں آئے تو میں تجھ سے بات کروں. بات یہ ہے کہ وہ جو تو علم دے رہا تھا وہ جہالت پر مبنی تھا, اور جب تک تجھے اصل کا پتہ نہ ہو تو کیا پڑھائے گا؟ پھر مولانا رحمت اللہ کو جب اس نے راز اور رموز بتائے تو پھر مولانا رومی رحمت اللہ نے لکھا, مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم, تا غلام شمس تبریزی نہ شد. تو مولانا رحمت اللہ کو علم کہاں سے ملا؟ شمس تبریز رحمت اللہ سے ملا. ان کی بہت ساری نظمیں ہیں جو اپنی مستی کے عالم میں انہوں نے کہیں. دم حمادم علی علی, ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کہاں سے علم ملا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے باب العلم سے علم ملا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابہا, کہ مجھے علم مولا علی کی ذات گرامی سے بنفس نفیس ملا. پھر اگر آپ مولا علی سے پوچھو کہ علم کہاں سے ملا, تو انہیں علم مدینۃ العلم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ملا, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم اللہ تعالیٰ سے براہ راست ملا. تو گویا کہ علم کا راستہ جو ہے یہ سینہ بہ سینہ چلتا ہے, اور تعلیم کا راستہ کتاب بر کتاب چلتا ہے. کتاب کا علم جو ہے وہ دیر پا نہیں ہوتا, یاد نہیں رہتا اور ٹھہرتا نہیں ہے, اور سینے کا علم جو ہے یہ قائم رہتا ہے. سنی ہوئی بات اور سنانے والا چہرہ ہمیشہ یاد رہتا ہے. اگر بات کے ساتھ ساتھ بات سنانے والے کی یاد قائم ہو جائے تو کہتے ہیں کہ تصور شیخ قائم ہو گیا. مثلاً یہ بات تو فلاں ہمارے بزرگ نے بتائی تھی اور بزرگ کا ٹائم آ گیا, لیکن بات یاد رہ گئی. یہ اللہ تعالیٰ کی عنایات میں سے ایک عنایت ہے. سورہ یوسف آپ پڑھو تو اس میں ایک بات ہو رہی ہے اور بیان ہو رہا ہے کہ اس عورت نے دروازے بند کر دیے. اچانک ایک واقعہ ہوا تو اللہ نے کہا کہ اے یوسف اس کام سے اعراض کر جا, یعنی کہ ایک واقعہ ہو رہا ہے اور وہ واقعہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہو رہا ہے. واقعہ جو ہے وہ ترغیب ہے, اور اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز آتی ہے کہ یوسف عارض ان حاضر. یہ فقرہ جو ہے یہ کہیں سے آتا ہے کہ یوسف اعراض کر جا, گریز کر جا. اب یہ سینٹینس جو ہے کہاں سے آیا ہے؟ کیونکہ وہاں کوئی انسان نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک آواز تھی, یا کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی آواز تھی. پیغمبر کے لیے تو پھر اللہ ہی کی آواز ہوتی ہے. تو گویا کہ زندگی میں جہاں کہیں قدم لگمگانے کا اندیشہ ہو, وہاں پر کسی نہ کسی چیز کی آواز آ جاتی ہے, کسی نہ کسی چہرے کی یاد آ جاتی ہے. اکثر لوگ جو نیک ہوتے ہیں ان کو پاس بٹھا کر پوچھا جائے کہ کیوں تو اتنا نیک ہوا, تو وہ کہتا ہے کہ میں خدا کے خوف سے تو نیک نہیں ہوا, بلکہ میں اپنے ابا کے خوف سے نیک ہوا ہوں. یعنی کہ نیکی کا ابتدائی بلکہ ابتدائی سے لے کے آدھے سے زیادہ راستہ انسان ماں باپ کے خوف سے طے کرتا ہے. کچھ لوگ سماج میں بدنامی کے ڈر سے نیک ہو جاتے ہیں. وہ لوگ ہوتے نیک ہی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی لگن جو ہے وہ دیر سے پیدا ہوتی ہے. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں باپ کا چہرہ یاد آ جاتا ہے, اور میں سوچتا تھا کہ میرے باپ کو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے متعلق کوئی غلط خبر پہنچ جائے, اور ابا جان کے دل میں اس سے ملال ہو کہ بیٹے کے بارے میں غلط خبر آ گئی ہے. تو یہ بھی باپ کی خدمت ہے کہ آپ اپنی خبریں جو ہیں اپنے باپ کے حق میں اچھی پیدا کریں. تو یہ شیخ کا تصور ہے. تصور کے ذریعے چلتے چلتے وہ صورت یاد آ جاتی ہے. کبھی آپ طالب علم کو دیکھیں, طالب علم تو آپ بھی رہے ہوں گے, کہتے ہیں کہ امتحان میں کوئی سوال اٹک جائے تو اگر اچانک استاد کا چہرہ یاد آ جائے تو پھر سوال حل ہو جاتا ہے. ایسا واقعہ ضرور ہوتا ہے اور سوال حل ہو جاتا ہے. آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ مشکل مرحلے سے گزر رہے ہوں تو اگر مانوس چہرہ آپ کے پاس سے گزر جائے تو پھر مشکل حل ہو جاتی ہے, حالانکہ صرف چہرہ گزر گیا ہے اور اس نے کچھ نہیں کیا. تو وہ چہرہ جو آپ کے دل کو قرار دے, جو آپ کے ذہن کو بھی بیدار کر دے, یہ بات یاد رکھنے والی ہے. تو وہ چہرہ جو آپ کے دل کو قرار دے وہ آپ کے ذہن کو بھی بیدار کر دیتا ہے, یہ بات یاد رکھنے والی ہے. اور وہ چہرہ جو آپ کے دل کو پریشان کرے وہ ذہن کو بھی پامال کر دیتا ہے. تصور شیخ کا مطلب یہ ہے کہ شیخ کا چہرہ جب زندگی کے صحرا میں یاد آ جاتا ہے تو زندگی کو نخلستان بنا جاتا ہے. اسی طرح چہرے کی داستان چلتی ہے کہ درود شریف چہرے کے قرب کے لیے ہے, اور اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و دعا چہرہ زلف واللیل و دہا چہرہ
यही चेहरा निशान वजहुल्लाह है। और इसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिधर आँख उठा के देखो अल्लाह का चेहरा है। असल में अल्लाह का अपना चेहरा तो है कोई नहीं, यही चेहरा निशान वजहुल्लाह, वरना रखता है क्या खुदा चेहरा, खुदा का तो अपना चेहरा ही कोई नहीं है। तो गोया कि चेहरे का इल्म जो है ये तसव्वुर शेख का इल्म बनता है कि वह चेहरा जब याद आ जाए तो ज़िंदगी में सलाह होती चली जाती है, ख़ास तौर पर जब आप जज्ब जम में हों, फैसला ना कर सकें, तो जिस मोड़ पर वो चेहरा आपको फैसले का, इस मोड़ पर वो चेहरा आपको फैसले का रास्ता बताए तो वो फैसला आपके लिए सही हो जाता है। मतलब यह है कि यूं ज़रूर होता है, एक रास्ता इधर को जा रहा है तो एक रास्ता उधर को जा रहा है, एक गलत है और एक सही है। जब आप गलत रास्ते पर चलते हैं तो आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और शेख का चेहरा याद नहीं रहता, सही रास्ते पर चलें तो आपके शेख का चेहरा नुमाया रहता है, तो गोया कि फिर वो रास्ता सही हो गया, सिर्फ चेहरे की याद से रास्ता सही हो जाता है। तो बात इस तरह है कि शेख अपना तसव्वुर यूं देता है कि जिस तरह शेख का तसव्वुर कायम रहता चला जाए वो रास्ता सही है, क्योंकि गलत रास्ते पर वो तसव्वुर कायम नहीं रह सकता। इसलिए आपके पास ये पहचान बन जाती है कि मैंने क्या काम करना है, वो काम करना है जिस काम के बाद वो तसव्वुर ख़त्म ना हो जाए। ज़िंदगी में सच और झूठ के दरमियान तमीज़ करने की यही एक पहचान है और यही एक वाहिद फार्मूला रह जाता है कि इस रास्ते पर मैं गया तो तसव्वुर मुझसे छिन गया। क्या छिन गया? कि वो तसव्वुर छिन गया और वो जलवागरी ख़त्म हो गई, तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं गलती हो गई है। गलती वाले कहते हैं कि शेख के पास गए तो इस दफ़ा वो ठीक तरह से मिले नहीं हैं, ज़रूर मुझसे कोई गलती हुई होगी। अगर आप नेकी करके जाएं तो शेख इस्तकबाल करेंगे, हाँ भाई आ गए हो, हम तो आपका इंतज़ार कर रहे थे, सब ठीक है, कुर्बानी दे आए हो। वो कैसा वाक़या था? हाँ चलो ठीक है, मंजूर है, उन्हें पता होता है। गोया के तसव्वुर शेख कायम रहे, शेख का कुर्ब रहे तो वही रास्ता सही होता है। मसलन हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह अल्लाह, अगर इस आलम में अल्लाह करीम के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई महबूब तशरीफ लाएं तो आप अपने इस माहौल का जायज़ा लें कि वो पाकीज़ा है या नहीं। यानी अगर हम अल्लाह का कुर्ब मांगते हैं कि या अल्लाह मेहरबानी फरमा, तो जिस माहौल में बैठ के हम अल्लाह को पुकार रहे हैं, अगर वह माहौल अल्लाह को पेश करने वाला होगा तो ही उसे बुलाएंगे। यानी जब आप अल्लाह को याद करते हैं तो पहले माहौल को पाकीज़ा करते हैं और फिर अल्लाह को याद करते हैं। अगर इंसान की ज़िंदगी में घर में ऐसा माहौल हो कि शेख अचानक वहाँ आ जाए और वो शख्स ये कहे कि इस वक्त क्यों आए हैं, तो उसकी ज़िंदगी ही गलत हो गई। जो इंसान हमा वक्त ऐसी हालत में तैयार नहीं पाया जाता जिस हालत में उसका मुकद्दस बुजुर्ग वहाँ पहुँच सके, तो वह हालत गलत है। यानी कि फिर आप अपनी ज़िंदगी में अपनी हालत को, अपने हाल को उसकी मौजूदगी के हवाले से सलाह करते हैं, तो आप अल्लाह की मौजूदगी भी समझ लो और अल्लाह वालों की मौजूदगी भी समझ लो। गोया कि ज़िंदगी में वो शख्स जिसको ये यकीन हो कि मेरा शेख मेरे साथ साथ चल रहा है, तो वो शख्स गलती नहीं करेगा और गुनाह नहीं करेगा। मसलन एक आदमी शेख के पास गया, शेख ने उसको बताया कि तुम आज इन इन रास्तों से होके आए हो, उसे यकीन हो गया कि मेरे हाल से ये बाखबर है और महरम है। जब ये यकीन हो जाए कि शेख मेरे हाल से बाखबर है तो हर वक्त उसका चेहरा याद रहता है और कभी आवाज़ भी आ जाती है तो वो उस चेहरे की मौजूदगी में कैसे गलत जगह जाएगा। तो शेख का तसव्वुर जो है ये खुद ब खुद ही गलत रास्ते से निजात की राह है और इसके ज़रिए आप गलत रास्ते से बिल्कुल निजात पा जाते हैं, क्योंकि इस तसव्वुर की वजह से ही बचने के लिए ये वाकया होता है। क्योंकि वो शख्स फिर कोई गलत काम नहीं कर सकता और इस माहौल में शेख को नहीं बुला सकता। मसलन आज किसी घर में रक्स हो रहा है, डिस्को हो रहा है, तो पता चला कि शेख भी शहर में आ गए हैं, तो फिर आप ऐसी हरकत नहीं कर सकेंगे। जिससे आदमी को ये यकीन हो कि मेरा शेख हर दम मेरे साथ है, मेरे हर हाल से बाखबर है, तो कभी उसका हाल बुरा हाल नहीं होगा। शेख अपना तसव्वुर उस वक्त मुरीद को देता है जब उसे ये पता लग जाए कि मुरीद की हालत ख़राब नहीं होती, वरना तो फिर शेख को मुरीद के साथ बुराई के रास्ते पर भी जाना पड़ जाएगा। इसलिए जब मुरीद बुराई के रास्तों से दूर रहे तो शेख का तसव्वुर साथ साथ चल पड़ता है, क्योंकि नेक राहों पर ही तो शेख चलने वाला होता है और चलाने वाला होता है। इसलिए तसव्वुर शेख उस मुरीद को दिया जाता है जो उस तसव्वुर को गलत रास्तों पर ना ले जाए। ये शेख का साया है।
चौथे सवरे शेख ही आपकी जिंदगी में आपको सच और झूठ के दरमियान तमीज बता जाता है। तसव्वुर शेख ही आपको गलत रास्ते से सही रास्ते की तरफ ले जाता है। जिंदगी में जब आप फैसले ना कर सको तो वहाँ तसव्वुर शेख फैसला करा देता है, और यही एक ऐसी चीज है जो आपको अपने आप के अलावा किसी और तरफ माइल ही नहीं होने देती। ये तो बड़ी मेहरबानी होती है। हसारे वक्त को मैं तोड़ कर निकल ना सका, तेरे जमाल का पहरा लगा हर सू। हसारे वक्त को मैं तोड़ कर निकल ना सका, तेरे जमाल का पहरा लगा रहा हर सुबह। जब आप गलती की तरफ जाने लगते हैं तो आपका शेख आगे से कह रहा होता है कि किधर जा रहे हो। गोया के शेख का तस्वुर हसार बना देता है, शेख का तस्वुर नेकी पर माइल कर देता है, शेख का तस्वुर आपके रास्ते को जगमगा देता है और आपके बातन का फैसला करा देता है। और ये लोगों को अता होता है जो इस तस्वुर को मुलवस ना करें। इसलिए कहते हैं कि अक्सर लोगों को तस्वुर शेख अता नहीं होता, क्योंकि उनकी ज़िंदगी वैसे नहीं होती। एक शख्स ने पूछा, तो खुदा को याद क्यों नहीं कर रहा? तो वह कहता है कि मैं इस हाल में खुदा को कैसे बुलाऊं, क्योंकि ज़िंदगी मेरी पाकीज़ा नहीं है। अब मैं खुदा को बुलाऊं तो किस हाल में बुलाऊं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो पाक नहीं है। कुछ लोगों के नज़दीक ये भी अदब का एक मुकाम है कि हमारी ज़िंदगी इस काबिल नहीं है। अगर आपको ये पता चल जाए कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाते हैं, तो आप उस वक्त दावत दोगे कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर भी तशरीफ लाएं, जब आपका घर पेश करने के काबिल होगा। अगर आपके घर में नेक लोगों का, नेक बुजुर्गों का और नेक रूहों का आना जाना है, तो खुद ब खुद घर की दीवारें नेक होना शुरू हो जाएंगी और बहुत सारी गलत तस्वीरें उतरनी शुरू हो जाएंगी। आपके घर में बुजुर्गों के दो चार चक्कर लग जाएं तो आपके घर के किस्से बदल जाएंगे, दीवारें बदल जाएंगी, रस्ते बदल जाएंगे, सामान बदल जाएगा और ऑटोमेटिक ही घर की हालत बदल जाएगी। दीवारों पर खाना काबा की तस्वीरें लग जाएंगी तो आपके घर में ये जो शेख आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, पीर साहब आते हैं, तो इनका दो चार मरतबा आपके घर में आना जाना ये असर करता है कि घर का सारा निज़ाम बदल जाता है, सारे का सारा निज़ाम बदल जाता है। अगर आपका अंग्रेज दोस्त आए तो वहाँ पर रक्स वाली तस्वीर लग जाएगी। ये सब खुद ब खुद ही होता है कि जैसी आपकी एसोसिएशन हो, जैसी वाबस्तगी हो, तो वैसी ही जिंदगी खुद ब खुद बन जाती है। इसलिए शेख जब अपना तसव्वुर देता है तो आपकी जिंदगी पाकिजगी की तरफ माइल करने के लिए देता है। तसव्वुर शेख जो है ये पाकिजगी की जमानत है और ये हमेशा रहता है। मसलन आपने दो सवालों में जवाब देना है कि फलां चीज ये है या वो है, यानी आपसे सवाल पूछा गया कि जिंदगी ये है या जिंदगी वो है। जब तसव्वुर शेख मिल गया तो फिर वह सही जवाब देगा। तो गोया के तसव्वुर शेख सही फैसला करा देता है, सदाकत बता देता है और जिंदगी में पाकीज़गी पैदा कर देता है। इस रास्ते पर तसव्वुर शेख चलाएगा जो रास्ता चलने के काबिल हो। उस जगह पर आप दुरूद शरीफ बैठ के पढ़ेंगे जो जगह बैठने के काबिल हो। अगर घर इस काबिल नहीं तो फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत नहीं देंगे, और अगर घर मुकद्दस हो जाए और पाकीज़ा हो जाए तो फिर सरकार ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देते हैं। क्या दुआ से वाकयात बदल सकते हैं और मसाइल हल हो सकते हैं? ये तेरे ही सपुर्द है, यहाँ इंसान की कोई कोशिश काम नहीं आ सकती। इंसान अल्लाह से कहता है कि ये मरीज़ है, बीमार है, मेरा रिश्तेदार है, मुझसे बड़ा ही प्यार करता है, अब ये तेरे हाथ में है कि या अल्लाह तो इसकी सेहत की हिफाजत कर। तो यहाँ पर दुआ पैदा हो जाती है, या जिस मुकाम पर डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो वहाँ पर दुआ का मुकाम पैदा हो जाता है। तो दुआ जो है वो उस वक्त पैदा होती है, दुआ का मानी कुव्वत को बुलाना, वो कुव्वत जो आपकी कुव्वत को किसी नतीजे की तरफ लगा दे। लेकिन असल में जो साहबाने कुव्वत हैं दुआ वो भी करते होंगे। दुआ शर्त नहीं है, दुआ कंडीशन नहीं है। ये ना कहना कि या अल्लाह हम तुम्हें मानेंगे अगर तूने ये दुआ कबूल फरमाई। मैंने पहले भी आपको बताया कि अल्लाह करीम जो है अपने मुकर्रबीन की दुआ भी कभी कभी नज़रअंदाज फरमा देता है। अल्लाह तो अल्लाह है, अल्लाह मालिक जो हुआ। मैंने आपको बताया है कि कितने ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी दुआओं को अल्लाह करीम ने कबूल नहीं फरमाया। ख़ास तौर पर नूह अलैहिस्सलाम का वाकया जो है, इन्होंने अपने बेटे के लिए दुआ मांगी तो उनको बेटा अल्लाह ताला ने नहीं दिया। और कितने ही पैगंबर हैं जिनके बाप उनके दीन पर नहीं आए, उन्होंने भी दुआ मांगी होगी लेकिन मंजूर नहीं हुई होगी। इस तरह पैगंबर और बीवी दीन पर नहीं है तो दुआ तो मांगी होगी। मकसद यह है कि दुआ कबूल होना शर्त नहीं है। अल्लाह ताला के साथ जो आपका ताल्लुक है वो दुआ बनता है कि या अल्लाह ऐसा वाकया हो जाए, या फिर जो वाकया हो रहा है उसके साथ आपकी रजामंदी शामिल होनी चाहिए। दुआ यहाँ आके काम करती है। दुआ से अगर वो मसाइल हल ना हो तो कम अज़ कम मसाइल की हकीकत समझ आ जाती है कि
ये मैंने पहले भी बताया था कि दुआ का मुकाम कब पैदा होता है या दुआ की ज़रूरत कब पैदा होती है। दुआ की ज़रूरत उस वक्त पैदा होती है जब आपके अंदर एक ऐसी ख्वाहिश पैदा हो जो आपकी कोशिश से हासिल ना हो सके, तो वहाँ आप दुआ करते हैं। ये बड़ी आसान सी बात है कि जो चीज़ कोशिश से आप हासिल कर सकते हैं उसके लिए आप दुआ नहीं करते। जहाँ आपकी कोशिश, आपकी इस्तेदाद ख़त्म हो जाती है लेकिन ख्वाहिश अभी बाकी होती है, तो वहाँ आप दुआ करते हैं कि या अल्लाह, ये मेरी ख्वाहिश है, मुझ में हिम्मत नहीं है मगर इसको हासिल करना है, कि ये बात मेरी आरज़ू में है, तो इसलिए मेहरबानी फरमा और मेरी ये आरज़ू पूरी कर, क्योंकि ये मेरी हिम्मत से बाहर है। इसके लिए आप में कोई अमल भी पैदा हो सकता है, वह बग़ैर अमल के भी वो बात पूरी हो सकती है। ज़िंदगी जो है कोशिश भी है, लेकिन कोशिश के अलावा भी है, यानी कोशिश नसीब भी है और कोशिश भी है। कौन सा नाकाम आदमी है जो कोशिश नहीं करता? कौन सा मजदूर है जो कोशिश नहीं करता? कौन सा गुनहगार है जो कोशिश नहीं करता? ये सब कोशिशें ज़रूर होती हैं। अब सवाल ये है कि अल्लाह ताला से अच्छा नसीब मांगा जाए। नसीब उसको कहते हैं जिसके अंदर कोशिश जजा की हकदार हो और सज़ा की हकदार ना हो। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ ये होती है कि या अल्लाह, ये वाकया सही हो जाए। दुआ से क्या होता है, या तो वो आरज़ू ख़त्म हो जाती है या पूरी हो जाती है। दुआ का मानी है कि ये फ़ैसला मैंने अल्लाह मियाँ के सपुर्द किया, मसलन या अल्लाह बेटा अता फरमा और ये मसाइल मेरे खुद साख्त हैं। इसलिए जो बुज़ुर्ग हैं वो यही दुआ करते हैं कि या अल्लाह, हम इन दुआओं से भी तौबा करते हैं जो तुझे पसंद नहीं है, हम वो दुआ भी नहीं करना चाहते जो तेरी बारगाह में कबूल नहीं है। सबसे मकबूल दुआ और सबसे बेहतर दुआ अल्लाह ताला से मांगने वाली ये है कि या अल्लाह, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह, मुझे बुज़ुर्गों का अदब करने की तौफीक अता फरमा। जो अल्लाह के अहकाम हैं वो आपकी दुआ में आने चाहिए। दुआ ये करें कि या अल्लाह, मेरे पास जो वसाइल हैं वो इस तरह इस्तेमाल हों कि मैं तेरे करीब हो जाऊँ। माल, ईंट, गाड़ा, पत्थर, रोड़ा, मकान, सामान, ये भी वसाइल हैं। वसाइल में आपका जहन भी शामिल है, वसाइल में आपका दिल शामिल है, आपकी सेहत शामिल है, आपकी कुवत शामिल है, आपकी ज़िंदगी के ताल्लुकात शामिल हैं और आपकी वाबस्तगियाँ शामिल हैं। ये सारे आपके वसाइल हैं। या रब्बुल आलमीन, जिन वसाइल को मैं ज़िंदगी कह रहा हूँ, इन वसाइल का वो इस्तेमाल अता फरमा के ज़िंदगी का अंजाम तेरे कुर्ब में हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। वसाइल तो आपने इस्तेमाल ज़रूर करने हैं, मसलन नज़ारे देखकर अपनी बिनाई ख़त्म कर लेनी है, इसलिए दुआ ये करें कि आपकी बिनाई इन नज़ारों में सर्फ हो जो नज़ारे मंजूर होते हैं, ताकि गुमराही ना देखनी पड़े और इबरत के नज़ारे ना देखने पड़े। आपको अल्लाह ताला अपने मकबूल नज़ारे दिखाए। इसी तरह समाअत है, समाअत यानी कान का सुनना भी आपके वसाइल में से है। कान के सुनने के लिए कुरान पाक की तलावत सबसे बेहतर है, नाते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतर है, हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सबसे बेहतर है, शेख की आवाज़ सबसे बेहतर है, नेक इंसानों की आवाज़ सबसे बेहतर है। अगर कान के अंदर वो नगमात सुने जाएं जिन नगमात के पीछे गुनाह हरकत करता है या थलकता है या धड़कता है, तो फिर समझो कि आपके कान ने आपका वसीला बन के आपको गुमराह कर दिया। मसलन अचानक कान में एक आवाज़ आ गई और वो आवाज़ हिजान पैदा कर गई, ये गुमराही की दलील है। कान के अंदर आवाज़ जो जाती है ये आपके दिल को कैप्चर कर लेती है, घेर लेती है, और अगर दावत एक गुनाह हो तो आपका वजूद में लाने गुनाह बन सकता है। अगर वो दावत नेकी को हो तो आपका वजूद नेकी की तरफ चला जाएगा। इसलिए कान के वसीले का इस्तेमाल ये है कि कान इन आवाज़ों को सुने जो आवाज़ें सदाकत के रास्ते की तरफ ले जा रही हैं, क्योंकि इस दुनिया में दोनों आवाज़ें आ रही हैं, हक की भी और झूठ की भी। दोनों सरगर्म अमल हैं और फटाफट बोलते जा रही हैं। कान ने ये डिस्क्रिमिनेशन करनी है, तमीज़ करनी है कि मेरे लिए कौन सी आवाज़ अच्छी है। एक आदमी जो नावार्ज, मासूम और भोला भाला हो और घर से दादा साहब रहमतुल्लाह के उर्स पर जाए, तो जब वो भाटी चौक पर पहुँचेगा तो सारी आवाज़ें शुरू हो जाएंगी। इन सब को वो उर्स की आवाज़ें समझता है। अगर कहीं थिएटर की आवाज़ आ गई तो आप उसको उर्स की आवाज़ ना समझ लेना। थिएटर ज़रूर लगेगा, मेला ज़रूर लगेगा, सौदा ज़रूर पकेगा, दुकानदार ज़रूर आएंगे, वो वाकया भी ज़रूर होगा, मजमे ज़रूर लगेंगे, मगर ये सब दाता साहब रहमतुल्लाह का उर्स नहीं है। आगे जाओगे तो अजीज़ मियाँ कवाली ज़रूर करेगा और भी लोग कवाली करेंगे। कवाली जो है ये भी दाता साहब रहमतुल्लाह की आवाज़ नहीं है। इस काम को आप चले हैं उस काम के रास्ते में, उस काम के नाम के हवाले से बेशुमार आवाज़ें आ जाती हैं और वो अक्सर आवाज़ें उस रास्ते को रोक देते हैं किस रास्ते पे आप चल रहे हों। मसलन आप हज करने जा रहे हैं, हज के निज़ाम में अगर पेचीदगी पैदा हो जाए तो आप बेकैफ हो सकते हैं कि छोड़ो जी ये पासवर्ड वापस करो, मुंह पर दे मारो इसे। अगर ऐसी बात है तो फिर आपकी कैफियत टूट जाएगी। अगर आप सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर बैठे हुए हैं
और किसी ने आके कोई ऐसा वाकया कर दिया तो आपकी कैफियत ख़राब हो सकती है। इसलिए इस रास्ते पर चलने वाला बड़ी एहतियात से चले, अपने वसीले को एहतियात से इस्तेमाल करें ताकि रिएक्शन रद्द अमल गलत ना हो जाए। जहन का इस्तेमाल आपको नेकी बदी की तमीज़ कराएगा। जहन अगर सिर्फ पैसा ही सोचेगा, यानी पैसा कमाना पैसा जमा करना ही सोचे, तो वह हुस्न के ख्याल से महरूम हो जाएगा। कोई नमाजी अगर कहे कि मुझे तो कुछ भी ज़िंदगी में नहीं मिला, बस मेरे लिए दो नमाजें ही रह गई हैं, जिस आदमी को पैसा मिला है और अगर वो पैसे को गुमराही में इस्तेमाल कर रहा है तो तेरी नमाज उसकी गुमराही से बहुत बेहतर है। गोया के वसाइल का इस्तेमाल याद रखने वाली बात है। बिनाई समाज वजूद रिश्तेदारियाँ वाबस्तगियाँ माल दुनिया ईंट गारा और पत्थर, ये सब वसाइल आपके इस्तेमाल में आते हैं और ये हमेशा साथ नहीं रहेंगे। ना बिनाई रहेगी, ना जहन रहेगा और ना कोई दुनिया रहेगी। ये सब कुछ बताने वहमो गुमान हो जाएगा। ये हर चीज़ आप छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद फौरी तौर पर डायरेक्ट रिजल्ट नतीजे का पटन दबा दिया जाएगा। नेट रिजल्ट आखिरी नतीजा निकल आएगा कि आपने अपने वसाइल का इस्तेमाल कैसे किया, क्योंकि यहाँ से आपने कुछ ले कर तो जाना नहीं है और यहीं पर आप गलती कर बैठते हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट अहम बात है कि आपने दुनिया का माल जो उठाया है, इस माल को बराए माल ही उठा लिया है, यहाँ पर गलती हो गई, क्योंकि ये माल बराए इस्तेमाल था ताकि नतीजा निकले, मगर आपने माल को बराए माल ही जमा करना शुरू कर दिया। नतीजा ये निकलेगा कि ज़िंदगी जब ख़त्म होगी तो माल के तौर पर माल जमा होगा और अमल के तौर पर जमा ज़ीरो होगा। इसलिए इस बात का ख्याल रहे कि वसाइल तो ख़त्म हो जाने हैं, छीन जाने हैं और जुदा हो जाने हैं। कहीं वसाइल का इज्तिमा आपको बेअमल ना करके रख दे। पैसे का इज्तिमा सिर्फ पैसे की खातिर जो है ये बेअमली है, बल्कि बदअमली है। ज़िंदगी के वसाइल का इज्तिमा बग़ैर इस्तेमाल के बदअमली है। इसलिए आपने ये काम करना है कि अपने वसाइल का इस्तेमाल इस अंदाज से करना है ताकि आपका नतीजा ये निकले कि नेक अमल कर रहा है। नेक अमल क्या है? यहाँ से माल उठाया, कुछ उसके हवाले किया, कुछ उसके हवाले किया, जिस तरह नेक अमल बन गया, तो गोया कि अपने वसाइल को नेक अमाल में ढालना चाहिए और ये दुआ मांगनी चाहिए, या अल्लाह हम दुआ करते हैं कि हम अपने मिलने वाले लोगों के साथ नेकी की खातिर मिलें। अगर दो बंदे दोस्त हैं तो दोनों बदी की राह पर चल सकते हैं और दो दोस्त नेकी की राह पर चल सकते हैं। दुआ करें कि या अल्लाह हमारे माल को नेक रास्ते का सफ़र बना, हमारे वसाइल को नेक रास्ते के लिए लगा, और नेक रास्ता हर रास्ते में मिलेगा। कोई वक्त ऐसा नहीं कि नेकी बंद हो जाए और कोई वक्त ऐसा नहीं कि बदी बंद हो जाए। मस्जिद के अंदर ऐन मुमकिन है कि इंसान गुमराह होकर निकले और ऐन बुतखाने में बैठा हुआ इंसान जो है वो वहाँ से नेकी की राह ले कर निकले, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये एक ऐसा निज़ाम रखा हुआ है कि पासबाँ मिल गए काबे को सनम खाने से। ये कौन सी जगह है और कहाँ से क्या मिल सकता है? हर चीज़ हर जगह हो सकती है, इंसान जो है वो अपने हाल में रह सकता है। इसलिए दुआ ये होनी चाहिए कि आपके वसाइल जो है वो अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल हो। बस यही ज़िंदगी है। सबसे बड़ा काम यह है कि मेरी आपकी जान जो है वो अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल हो, तो इस तरह जान महफूज हो जाएगी, क्योंकि जिसने दी थी उसको वापस लौटा दी। जान देने वाला वो है, इस तरह जैसे बाप किसी बेटे को पैसे दे और बाप कहे कि थोड़े से पैसे मेरे लिए भी रखो, बेटा कहता है नहीं हम आपको नहीं देते, तो इंसान यही करता है कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, कहता है ज़िंदगी फ्री, इसकी कोई पेमेंट नहीं, कीमत नहीं देता, इसमें से कुछ लम्हात मेरी तरफ से तुम्हें दिए जाते हैं। जब अल्लाह वापस मांगे तो इंसान कहता है ये तो बड़ा मुश्किल है, आपने मुझे आजमाइश में डाल दिया। अल्लाह कहता है हम आपको 100 रुपये देते हैं और इन्हें साल भर इस्तेमाल करो, इसको रखो और हमारे लिए सिर्फ 2.5% दे दो, तो इंसान कहता है कि बड़ा मुश्किल काम है। पैसा देने वाला वही अल्लाह है, कौन आदमी है जो खुदा की तरफ से इसको समझ कर इस्तेमाल नहीं करेगा? सिर्फ वो जिसको ये यकीन होगा कि ये खुदा की तरफ से नहीं मिला। जब आपको ये पता चल जाए कि ये दौलत तुम्हें खुदा की तरफ से नहीं मिली और ये आपका दावा हो जाए, तो ज़िंदगी वहीं गुमराह हो गई। अगर ये यकीन हो जाए कि अल्लाह की तरफ से मिला है और उसी की तरफ लौटा दिया जा रहा है, तो फिर आपकी ज़िंदगी आसूदा हाल हो जाएगी। इसलिए दुआ जो है वह मसाइल हल करे या ना करे, लेकिन आपकी इसलाह कर देती है। दुआ का होना इसलाह की ज़मानत है, दुआ का होना तकर्रुब इलाही की ज़मानत है। दुआ मांगने वाला अल्लाह से कभी गुमराही की दुआ नहीं मांगता, ऐसी दुआ कोई नहीं मांगेगा। दुआ बजाते खुद आपके मकसद की इसलाह है, यानी कि आप उस चीज़ की दुआ मांगोगे जो वैसे ही नेक मकसद हो। इसलिए दुआ का तसव्वुर बजाते खुद एक ऐसा तसव्वुर है कि आपका रास्ता खुद ब खुद ठीक हो जाता है। या अल्लाह मेहरबानी फरमा। दुआ ये है कि हज की तमन्ना पूरी कर,
आपको पता है कि इससे अल्लाह ताला खुश होगा। आप ये दुआ नहीं मांगेंगे कि या अल्लाह मेरी चोरी होने की तमन्ना पूरी कर। गोया कि दुआ का तसव्वुर, दुआ को तस्लीम करना, दुआ को मानना और दुआ मांगने के अमल से आती ज़िंदगी तो वैसे ही इस्लाम में आ जाती है, क्योंकि ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। इसलिए आप गौर करें कि इंसान के लिए कोई शय नई नहीं है। अपनी ज़िंदगी में से, इसके इस्तेमाल में से, इसके वसाइल में से सारी चीज़ें आपने दरियाफ्त करनी है, ताकि जब आप ज़िंदगी छोड़ें तो फौरी तौर पर दूसरे सफ़र पर रवाना हो जाए। कौन सा सफ़र? खुदा का सफ़र और सच्चाई का सफ़र। तो यह ज़िंदगी या तो जज़ा बन जाएगी या सज़ा बन जाएगी, और इसे आप खुद बनाते जा रहे हैं। इसलिए इस ज़िंदगी के वसाइल में आपको सब करना है, तो दुआ का मुकाम ये है। तौबा के बाद तौबा क्यों की जाती है? अब एक आदमी जिसकी ज़िंदगी कसरत तजाद में है, यानी ज़िंदगी अजदाद की हामिल है, वो आदमी नेकी बदी मिला के चलता है और वो सच झूठ मिला के चल रहा होता है, तो ऐसे आदमी की तौबा का फ़ैसला कमज़ोर हो जाएगा। तौबा एक फ़ैसला है कि अपने आप को अपनी इस बुराई से हटा के नेकी की तरफ गामजन करना और इस फैसले का गवाह अल्लाह को बनाना। तौबा आपका फ़ैसला है कि जितनी गहराई से होगा, जितनी सदाकत से होगा, उसकी मंजूरी वहाँ अल्लाह के यहाँ है। तौबा अल्लाह का फ़ैसला नहीं है, बल्कि तौबा आपका फ़ैसला है। अगर आपका फ़ैसला ना बदले तो फिर आप तौबा ना करो। इसलिए अपने विल पावर को, इरादे को तौबा के हवाले से मजबूत करो, या तौबा को विल पावर के हवाले से मजबूत करो। तौबा मंजूर होने का मतलब ही ये है कि बंदे के अंदर इतनी विल, कुव्वत इरादी पैदा हो जाए। तौबा के मानी है रास्ता मुड़ जाना, वापिस आ जाना, बैक हो जाना, चलते चलते एक राह से दूसरी राह पर पलट जाना। यानी जब आप एक रास्ते को देख रहे हैं कि ये रास्ता आपके मालिक की पसंद का नहीं है, तो आप वहाँ से पलट जाएं। पलट जाने का अमल फिर वापस उसी जगह आने का अमल तो नहीं बन सकता। तो गोया कि तौबा का मतलब ही यह है कि पलट आना, फिर गुनाह ख़त्म हो जाता है और ज़्यादा गुनाह भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आप नेकी में इन्वॉल्व हो गए, आप नेकी के रास्ते पर चल पड़े। तौबा के बाद अगर गुनाह सरजद होता है, तो इसका मतलब यह है कि जो फैसला करने वाला इंसान है वो कमज़ोर है और उसको गुनाह ने दबोच लिया है। गुनाह दबोच ले तो फिर मदद के लिए आप अल्लाह को पुकारते जाएं और फिर तौबा करते जाएं। अगर गुनाह होता है तो आप तौबा करते जाएं, ताकि इतनी बचत हो जाए कि अगर आपको मौत आ जाए तो तौबा की हालत में आए और गुनाह की हालत में ना आए। ये ज़रूरी बात है कि मौत माजरत में आए और तकब्बुर में ना आए। इसलिए मैं कहता हूँ, जो शख्स अल्लाह को पुकारने वाला हो, अल्लाह के बंदों को पुकारने वाला हो, तो वह गुनाह में तो अपने घर में इनको दावत नहीं देगा। यहाँ तसव्वुर शेख जो है वो आपको निजात देता है और आपका नेक खानदान आपको निजात देता है। कहते ये हैं कि जो गुनाह, जो इरादा और जो बुराई मख्फी है, तन्हाई में है, तारीकी में है और दिल में है, उसने छत पे चढ़ के बोलना है। दुनिया में कोई गुनाह ऐसा नहीं जो मख्फी रहा हो, बल्कि हर मख्फी गुनाह अनाउंस मशहूर हो जाता है। इसी तरह बुजुर्गों का जो इल्मे बातिन है वो भी जाहिर हो के रहा। यह ऐसा सिस्टम है कि हर चीज़ जाहिर हो जाती। इसलिए आप ये दुआ किया करें कि आपके बातिन के अंदर भी कोई ख़राबी ना रह जाए। जब आपने अल्लाह के पास फैसला कर लिया कि या अल्लाह मैं इस बात से तौबा करता हूँ, तो आप फिर इस गलती से बच जाओ। इसलिए बुजुर्गों ने कहा कि तौबा शिकनी के गुनाह से बचो, यानी तौबा तोड़ने के गुनाह से बचो। ये एक अलग मजमून है। तौबा को कायम करने के लिए ये एक ज़रूरी बात है कि आपके हम सफ़र अच्छे होने चाहिए, आपकी मशावरत अच्छी होनी चाहिए, आपके दोस्त अच्छे होने चाहिए, आपके दोस्त हम ख्याल होने चाहिए, और आप बुजुर्गों की सोहबत से अलग ना बैठना, बल्कि उनके ख्याल में बैठना और उनकी याद को कायम रखना। इसलिए कि आपका हर अमल अल्लाह ताला की निगाह में है, लिहाजा आप अपने आप को उस बात से ज़रूर बचाएं कि आज तन्हाई के अंदर जो जुर्म होता है, ख्याल होता है, उसने पब्लिकली अनाउंस होना है। कहीं ऐसी हालत ना हो कि कल को आप शर्मिंदा हों, यानी आप मेहनत भी करें, वो गुनाह भी हो और उसमें शर्मिंदगी और नदामत भी हो, और फिर सज़ा अलग से मिले। इसलिए समाज में जो आपका वकार मौजूद है, जो इज्जत मौजूद है, उसके तहफ़ के लिए तौबा कायम कर लो। शुक्र करो कि अल्लाह ताला का नाम सत्तारुल अय्यूब है। सत्तारुल अय्यूब का मानी है गुनाह को छुपाने वाली ज़ात। हालांकि आप अपने गुनाह नहीं छुपाते, मगर वो छुपाता है। इसलिए जब तक गुनाह छुपे हुए हैं, उससे पहले के गुनाह जाहिर हों, आप तौबा करके निजात पा लें। गुनाह का ऑडिट ज़रूर होना है, इससे पहले के ऑडिट आए आप उसे तौबा कर लें, क्योंकि ऑडिट होगा तो ये अनाउंस होगा। तौबा का मानी है कि आप कहें कि या अल्लाह मुझसे कोताही हो गई, हर वो चीज़ जो तुझे पसंद नहीं है और वह मेरे अंदर है, मैं से तौबा करता हूँ।
चाहे वो मेरी रियाकारी की इबादत ही हो। जो इबादत मैंने दुनिया को दिखाने के लिए की है, उस रियाकारी से मैं तौबा करता हूँ, बल्कि मैं हर उस अमल से तौबा करता हूँ जो तुझे नापसंद है। तो उस चीज़ से तौबा करो जो अल्लाह को नापसंद है। या अल्लाह मेरी तौबा को कायम रहने की तौफीक अता फरमा। तो आप फाइनल तौबा करें, हमेशा रहने वाली तौबा, परमानेंट तौबा, अनब्रेकेबल तौबा, फिर मिस्टेक ना हो, गलती ना हो। अल्लाह ताला तौबा को कायम रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। जब अल्लाह ताला ने इंसान को अरूज से नवाजा तो फिर इंसान में शर्क कैसे पैदा हो गया? ये सवाल बड़ी दफ़ा हो चुका है। फरिश्तों ने कहा कि जब आप ज़मीन पर खलीफा बना रहे हैं और आपने जन्नत बनाई है तो दोजख क्यों बना रहे हैं? बस ये अल्लाह की मंशा है। मंशा समझ आए तो फिर सारा वाकया आपको बहुत जल्दी समझ आ सकता है। मसलन शैतान का ये भी सवाल था कि अल्लाह ने मुझे बात समझाई नहीं है, आदम अलैहिस्सलाम को आपने सारे असमा सिखा दिए मगर मेरे साथ आपने कोई रियायत नहीं की। एक और सवाल भी लोग करते हैं कि हमें तो शैतान गुमराह करता है, मगर शैतान से पहले तो शैतान नहीं था, उसको किसने गुमराह किया? गुमराह करने वाली ज़ात को शैतान कहते हैं और शैतान बजाते खुद पहले गुमराह हो गया, तो उसको किसने गुमराह किया? ये एक राज है कि शैतान गुमराह है कि शैतान राह पर है। मुमकिन है वो एक राह ही हो, यानी शर की राह हो। अल्लाह ताला ने खैर और शर को पैदा किया है। खैर और शर अल्लाह ताला की तरफ से है और ये एक रास्ता बताया जा रहा है। शर का खालिक भी अल्लाह ही है। आपने ये जो सवाल किया है, इस दुनिया के अंदर इंसानों की दुनिया में, और इस वक्त जब हदायत आ चुकी है तो अब ये सवाल नहीं बनता, वरना ये सवाल तो पहले दौर का सवाल था। आप अल्लाह ताला की शफात पर अगर गौर करें तो वो रऊफ़ है, रहीम है और गफ्फार है। गफ्फार का मानी है बख्शने वाला, खता को बख्शने वाला। अगर वो गफ्फार है तो इंसान ज़रूर खताकार होगा। अगर अल्लाह इनाम देने वाला है तो इनाम हासिल करने वाला इंसान ज़रूर होगा। अगर वो कहार है तो कहर बर्दाश्त करने वाला इंसान भी होगा। तो गोया कि अल्लाह की अपनी सिफात के हवाले से उसकी मखलूक में वो चीज़ें ज़रूर होंगी। उसकी तख्लीक के अंदर दो तरह के लोग हैं। अल्लाह ताला ने बताया कि तुम ही में से लोग हैं जो दुनिया की तमन्ना करेंगे और तुम ही में से लोग हैं जो दीन की तमन्ना करेंगे, आखरत की तमन्ना करेंगे। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि मैंने इंसान को अहसन तकवीम अच्छी सूरत में पैदा किया और फिर इंसान बहुत ही नीचे गिर गया। असफल साफलीन तक इंसान ने पहुँचना है। इंसान के काम है वह सफलीन कब बनता है? अगर वह रू गर्दानी करेगा तो गुनाह होगा। अगर अल्लाह हुक्म ना दे और पैदा करके फेंक दे तो फिर खैर शर नेकी बदी का कोई हवाला नहीं होना चाहिए। पुराने जमाने में आदम अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए तो उसके बाद शादियों का सिलसिला शुरू हुआ। अब बेटा होता है, बेटी होती है तो शादी हो जाती है। जब कानून बन गया तो जायज नाजायज पैदा हो गया और हलाल हराम पैदा हो गया। जूँ जूँ हवाला चलता है कानून नाफिस होता है। जहाँ जहाँ दीन आता गया वो हवाला बनता गया और अब आपके पास हदायत आ गई है कि ये खैर है और ये शर है। इसलिए आप खैर के हवाले से ही अमल करें। शजर ममनुआ तक जाना ही बाइस शर है। शजर ममनुआ रखा ही इसलिए गया था कि उसकी तमन्ना हो, ये एक अलग राज है। इंसान को खलीफतुल अर्ज बनाना था। अगर शजर ममनुआ इस्तेमाल ना होता तो इंसान जन्नत में रहता और इस तरह नीचे कौन आता? अगर इंसान नीचे नहीं आता तो खलीफा कौन बनता? जन्नत की तारीफ मैंने आपको बताई थी कि जन्नत वो मुकाम है जिससे मौजूल होने के बाद उसकी तलाश शुरू हो जाए। जिस मुकाम को खोने के बाद दोबारा पाने की तमन्ना हो उसे जन्नत कहते हैं। तो ये जन्नत की तमन्ना है और ये इंसान को अता हुई है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि इंसान उस जन्नत में चला जाएगा जिसे छोड़ के आया था। इसलिए ये बातें गौर करने वाली हैं। लेकिन आपको दीन के हवाले से अल्लाह ने जो हुक्म दिया है आप वो मानते जाएं और उसकी हुक्म दूरी जो है वो फिर दोजख बन जाएगी। अब आपके लिए मसला बड़ा आसान हो गया। जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने रास्ता बताया है आप उस पर चलते जाएं कि ये अल्लाह का हुक्म है, ये जन्नत है और इस रास्ते के अलावा दोजख है। बल्कि यहाँ तक फुकरा कहते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का कुर्ब ही जन्नत है और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से दूरी ही दोजख है। इसलिए गुनाह जो है हुक्म के अलावा चलना है। अब आप दुआ करो कि अल्लाह ताला फजल फरमाए,
आप पर ज़िंदगी आसान हो जाए और ज़िंदगी का बातन आसान हो जाए। अल्लाह ताला से हम फिर वही दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। हम आपसे यही सवाल करते जाएंगे कि हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमा। यही हमारा पहला सवाल है और यही हमारा आखिरी सवाल है। या रब्बुल आलमीन तमाम हाजरीन मजलिस की नेक तमन्नाएं कबूल फरमा। आमीन बी रहमतिका या अरहमर राहिमीन।